पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी। आज बंगाल की 44 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण के लिए बंगाल के 5 जिलों में होगा मतदान। हावड़ा, दक्षिण चौबीस परगना, हुगली, अलीपुर द्वार और कूचबिहार जिले में पड़ेंगे वोट। हावड़ा की 9, दक्षिण चौबीस परगना की 11, अलीपुर द्वार की 5, कूचबिहार की 9 और साथ ही हुगली की 10 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण के लिए 373 उम्मीदवारों की साख दांव पर है तो वहीं 1,15,81,022 मतदाता वोट डालेंगे। इस चरण में 15,940 पोलिंग बूथ पर होगा मतदान। करीब एक घंटे बाद सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। चौथे चरण के मतदान में मुस्लिम मतदाता निभाएंगे अहम भूमिका। दक्षिण चौबीस परगना, हावड़ा, हुगली में करीब 40%, अलीपुर द्वार में 40% से अधिक और कूचबिहार में करीब 45% मुस्लिम मतदाता। दक्षिण चौबीस परगना में महिलाएं भी निभाएंगी अहम भूमिका। पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा। दक्षिण चौबीस परगना में महिला वोटर की संख्या 15,70,392 जबकि पुरुष वोटर की संख्या 15,66,161। दक्षिण चौबीस परगना की 6 सीटों पर महिला वोटर्स का दबदबा। सोनापुर दक्षिण, सोनापुर उत्तर, जादवपुर, टॉलीगंज, बेहला उत्तर और साथ ही बेहला दक्षिण सीट पर निभाएंगी निर्णायक भूमिका। चौथे चरण की 44 सीटों पर वोटिंग के लिए सख्त पहरा। हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए 5 जिलों में भारी सुरक्षा बल तैनात। चौथे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा बलों की 789 कंपनियां लगाई गई। अकेले कूचबिहार में 187 कंपनियां तैनात। चौथे चरण से पहले 3 चरणों में हुई थी बंपर वोटिंग। पहले चरण में 84.13%, दूसरे चरण में 86.11% और तीसरे चरण में 84.61% वोट पड़े थे। चौथे चरण से भी ज्यादा उम्मीद है। चौथे चरण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर। बाबुल सुप्रियो, पायल सरकार, कंचन मलिक समेत कई नेताओं के लिए आज होगा मतदान। बंगाल की टॉलीगंज सीट पर आज होगा मतदान। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के सामने टीएमसी के अरूप विश्वास। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी की सीट शिवपुर पर भी आज मतदान। टीएमसी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हैं मनोज तिवारी। पूर्व अभिनेत्री और बीजेपी नेता पायल सरकार की किस्मत भी आज दांव पर। बेहला पूर्व सीट से हैं बीजेपी उम्मीदवार। आज होगा मतदान। डोमजू सीट पर आज होगा मतदान। बीजेपी उम्मीदवार राजीव बैनर्जी इस सीट से चुनावी मैदान में। हाल ही में टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे राजीव। इसके अलावा हुगली के चिनसुराहा सीट पर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री लॉकेट चटर्जी की किस्मत भी इस चरण में ईवीएम में होगी कैद। बाली सीट पर वैशाली डालमिया की किस्मत का भी आज होगा फैसला। वैशाली ने हाल ही में टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थामा है। पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल में 2 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे सिलीगुड़ी और दोपहर 3:20 पर नादिया के कृष्णानगर में चुनावी सभा। ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना में चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। 3 जनसभाओं में ममता बनर्जी विरोधियों को बनाएंगी निशाना। सुबह 11 बजे नॉर्थ 24 परगना के हिलनगंज, दोपहर 12 बजे बोंगाव और दोपहर 1 बजे बीजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी ममता। बंगाल में फिर से गरजेंगे शुभेंदु अधिकारी। 1 रोड शो और 2 जगह जनसभाओं को करेंगे संबोधित। मिथुन चक्रवर्ती सुबह 11 बजे दक्षिण अखनतला, दोपहर 12:30 बजे घुसीहाट और फिर दोपहर 4 बजे अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल में बीजेपी के फिर से वोट मांगेंगे बीजेपी के लिए फिर से वोट मांगेंगे मिथुन चक्रवर्ती। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जनसभाओं के बीच दोपहर 2:45 बजे बशीरहाट के हरीशपुर से कछुआ लोकनाथ मंदिर तरकोट शो भी यहां पर मिथुन करेंगे। बीजेपी की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली भी करेंगी चुनाव प्रचार। 2 रोड शो और 1 जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 3:30 बजे बारानगर और कमरहाटी में रूपा गांगुली रोड शो करेंगी और शाम करीब 6:30 बजे राजरघाट गोपालपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष भी आज 3 रैलियों में आएंगे नजर। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सिलीगुड़ी में होंगे मौजूद। शाम 4:45 बजे कमरहाटी में पदयात्रा और शाम 6:15 बजे न्यू टाउन राजरघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। ममता बनर्जी के ओएसडी अशोक चक्रवर्ती को हटाया गया। ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात थे अशोक चक्रवर्ती। ममता बनर्जी का शाह पर निशाना, कहा अमित शाह पर अंकुश लगाए प्रधानमंत्री मोदी। वे राज्य में भड़का सकते हैं दंगे।
चौथे चरण के मतदान से पहले ममता बनर्जी ने अमित शाह पर जमकर निशाना साधा, कहा बाघ से भी खतरनाक है शाह। चुनाव आयोग के नोटिस के जवाब में ममता बनर्जी ने कहा मोदी रोज हिंदू मुस्लिम करते हैं, कितनी शिकायतें हुई, 10 नोटिस भी मिले हैं तब भी अपने बयान पर कायम। जी हिंदुस्तान पर शाह का बड़ा बयान, कहा दीदी हमारी रैली के लोगों को गुंडा बताती है, जनता को गुंडा कहना बंगाल का अपमान, यहां बीजेपी का बंगाली राज करेगा। बंगाल के भवानीपुर में अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर अमित शाह ने लोगों से की मुलाकात। भवानीपुर में शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर किया लंच, बंगाल बीजेपी के संस्थापक सदस्य समरेंद्र के घर खाया खाना। ओवैसी के तंज पर अमित शाह का पलटवार, कहा ओवैसी भी किसी हिंदू के साथ फोटो खिंचवा ले। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा सुरक्षा बलों पर दीदी का सवाल उठाना बिल्कुल गलत। बंगाल में जी मीडिया की टीम पर हुए हमले की गृह मंत्री अमित शाह ने की निंदा, कहा चुनाव आयोग ने संज्ञान, मीडिया कर्मियों पर हमला नहीं होना चाहिए। दीदी के गढ़ में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की हुंकार, कहा बंगाल में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार ममता के राज में हुआ, अब असली परिवर्तन होगा। पीएम पर ममता के बयान पर जी मीडिया से बोले नड्डा, ममता बनर्जी की ये बौखलाहट है, बंगाल की संस्कृति के विरुद्ध है बयान। कोलकाता के भवानीपुर पुलिस स्टेशन के बाहर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले पर हमला, काफिले के 3 गाड़ियों को तोड़ा गया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़, बैनर और पोस्टर फाड़े, टीएमसी पर हमले का। दक्षिण 24 परगना में चुनाव में हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश नाकाम, थैलों में भरकर तालाब में छिपाए गए थे बम। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को लेकर चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन, बंगाल में शांति से चुनाव कराने के लिए की बात। मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में दिखा लोगों का उत्साह, लोगों ने लगाया जय श्री राम के नारे, कहा बंगाल में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। असम कांग्रेस ने सहयोगियों की शुरू की घेराबंदी, कांग्रेस गठबंधन के 18 प्रत्याशी जयपुर लाए गए, कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का है डर। 5 जिलों की 44 सीटों पर जी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबरें, जी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम पल पल की अपडेट पहुंचाएगी आप तक। बंगाल चुनाव पर सबसे पैनी नजर, ग्राउंड जीरो से जी हिंदुस्तान आज फिर पहुंचाएगा आप तक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर।